ऐतिहासिक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है हिजाब बैन का जो मामला चल रहा था उसको लेकर के एक बहुत गहरा तमाचा मारा है उन लोगों के मुंह पर जो हिजाब और इस तरीके की जो चीज़ों को लोगों के बीच में फैलाते हैं। मेरे साथ में एडवोकेट की टीम है और स्टूडेंट एडवोकेट्स है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मेरे पास है, और इसमें करीब 11 एडवोकेट्स है जिन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के इसकी लड़ाई को लड़ी और जीत हासिल करके अब ये पहुँचे हैं। और कल हमने इसकी अपडेट आपको बताई थी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई है आचार्य कॉलेज को लेकर के, कैसे बैन हिजाब बैन का मामला सामने आया, कैसे धार्मिक रूप दिया जा रहा था। अतीक सर हमारे साथ में है। सर बताइए कि क्या मामला हुआ था, अभी ऑर्डर आया, इसकी डिटेल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जो लोगों के अंदर जो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या हुआ कैसे हुआ, शायद 18 तारीख को एक जो उनकी नई 18 नवंबर को जो चीज़ें होने वाली है शायद उसके बाद बैन फिर से लग जाए, ऐसी चीज़ें सामने आ रही, क्या कहेंगे इसके ऊपर, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं देखिए, सबसे पहले मैं आपके एक अल्फाज को करेक्ट कर दूं कि आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है। इस अल्फाज पे मैं आपत्ति उठाता हूं कि ये तमाचा नहीं है। देखिए, वो कॉलेज भी हमारा है, कॉलेज ने एक रूल क्रिएट किया था जो कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि उनके फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जा रहा है ये रूल्स, तो उस फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेशन हो रहा था उसको अपहेल्ड करने के लिए, प्रिवेल करने के लिए कुछ गर्ल स्टूडेंट्स जो मेरे पास आई थी, तो मैंने उनको बात किया कि हाँ ये आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, अगर आप कोर्ट इसको मूव करेंगी तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस देगा। और बच्चियों ने सुप्रीम पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हाई कोर्ट में जो है पिटीशन डिसमिस होने के बाद लड़कियां जो हैं सुप्रीम कोर्ट मूव करके गई, और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये इंटरिम ऑर्डर है, ना कि ये फाइनल ऑर्डर है। फाइनल ऑर्डर अभी सुनवाई होगी, इसकी जो अगली डेट मिली है 18 नवंबर की, उसमें कोर्ट जो है एफिडेविट वगैरह जो है कॉलेज को उन्होंने फाइल करने के लिए बोला है, कॉलेज की भी बात सुन रहा है कोर्ट, हमारी भी बात सुन रहा है। हमारी तरफ से 11 वकील जो हैं स्पेशली कॉलिन गोंसाल्वेस सर जो हैं वो अपियर हुए थे, और गायत्री सिंह जो हैं वो सीनियर एडवोकेट, वो हमारे तरफ से जो हैं उन्होंने, अभिया जैदी हमारी AOR हैं, और लकड़ावाला साहब, इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट अल्ताफ एंड एडवोकेट शमशेर खान ने काफ़ी मेहनत की। तो ये जो लड़ाई है ये लड़ाई बच्चियों की कॉलेज के विरुद्ध नहीं है, या बच्चियों की, मुस्लिम बच्चियों की गैर मुस्लिम बच्चों के विरुद्ध नहीं है, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, ये लड़ाई जो है संविधानिक हक जो है जिसे हम फंडामेंटल राइट्स से मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार की है। ये मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा था उस उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कॉलेज ने जो प्राइवेट कॉलेज है आचार्य कॉलेज जो रूल्स क्रिएट किए हैं उससे कई बच्चियों के एजुकेशन का नुकसान हो सकता है, और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर बच्चियों की फैमिली के लोग जो ऑर्थोडॉक्स हों या कंजर्वेटिव फैमिली से हों तो अगर आप इस तरह का बैन लगाएंगे हिजाब के ऊपर तो वो स्कूल या कॉलेज छुड़वा सकते हैं जिससे बच्चियों का नुकसान होगा। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया जो बहुत ही वाइड और बड़ा दिल रखकर इस ऑब्जर्वेशन को हमने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन लगा हमें, और इसके लिए हम आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस संजीव खन्ना और संजीव कुमार के कि उन्होंने बहुत अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बचाने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड करने के लिए जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। मतलब कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों को बुरखा जैसी बात हुई थी कि बुरखे से एक धर्म मुँह से उजागर होता है, तो तिलक और उसके ऊपर बिंदी के ऊपर भी वहाँ पर बात हुई जी, उस पर बात हुई, लेकिन ना हमारे एडवोकेट्स ना हमारी बच्चियाँ तिलक और बिंदी के खिलाफ हैं। हम तो गए ही इसीलिए थे कि आर्टिकल 19 जो है और आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है ये कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा था, तो जितना अधिकार बिंदी टीका लगाने का उतना अधिकार हिजाब पहनने का भी, उतना ही अधिकार हाफ टी शर्ट पहनने का भी, उतना अधिकार जीन्स पहनने का भी है। ये सिर्फ इसको मीडिया के अंदर इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि नकाब का इशू, जबकि ये नकाब का इशू नहीं था, ये इशू फंडामेंटल राइट्स का था, उन बच्चों के भी फंडामेंटल राइट्स का था जिनको टी शर्ट और जीन्स भी पहनना है, जिनको बैज और कैप भी लगाना है। अच्छा, कैसा देखते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो सबसे आखिरी स्टेज है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है तो कैसे, जो कर्नाटक में जो मामला हुआ था उसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो क्या यही ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा कर्नाटक के लिए भी? नहीं, हमारा जो बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट अल्ताफ खान ने जो बातें रखी थी वो उसमें उन्होंने अपनी यही बात रखी थी कि जो कर्नाटका का केस है और जो ये आचार्य कॉलेज का केस है ये बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, कर्नाटका में वो स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, और ये डिग्री कॉलेज है, और कर्नाटका के अंदर वहाँ पर स्टेट ने एक एक्ट बनाया हुआ था, और
यहाँ पर वैसा कोई पैरेंटल एक्ट नहीं है बैकएंड में, और ये सिर्फ एक नोटिस इशूड बाय द कॉलेज है। सो ये केस और उस केस में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये केस और वो केस सेम है और हम लोगों को उसको एक चश्मे से देखना चाहिए। सर, पूरे हिंदुस्तान में एक ज़माने से सभ्यता चली आ रही है, घूंघट का रिवाज है, एक महिला की जो जो होती है इज्जत वो उस तरीके से ढाकती है, बुरखा, हिजाब, नकाब या फिर घूंघट कह लीजिए, तो क्यों इन सभी चीज़ों को इस तरीके से अलग रंग दिया जा रहा है? देखिए, ये समझ का अफेयर है। घूंघट नॉर्थ इंडिया के अंदर या साउथ में भी आप जाओगे तो बड़ों से जब लड़कियां शादी करके आती हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ मज़हब, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ये हमारे कल्चर में घूंघट करना, और गैर मर्दों के सामने हमारी औरतें घूंघट करती, ये भारतीय जो है कल्चर है। अब ये आजकल जो मॉडर्न चीज़ें हैं, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में जो है कन्फ्यूजन आ गया। देखिए, वेस्टर्नाइजेशन उसको बोलते हैं जो वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अपना लें, और मॉडर्नाइजेशन इसको बोला जाता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वेस्ट से आवे या ईस्ट से आवे उसको हम अपनावें। जैसे हमने मॉडर्नाइजेशन के तौर पर हमने कॉलेजेस के अंदर, इस क्लासेस के अंदर और एजुकेशन के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यूट्यूब के ऊपर डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, डिजिटल वॉचेज आ गए हैं, हमने अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन आज भी हम अपना कल्चर प्रिजर्व करते हैं, और ये कल्चर प्रिजर्व करने का जो राइट्स है ये भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 29 के अंदर और 30 के अंदर दिया हुआ है। तो कल्चरल डिस्पैरिटी को ख़त्म करना ये कहीं ना कहीं संविधान गैर संविधानिक है, और इस तरह से अगर कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए तैयार है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ द गाइड एंड फिलोसफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लगता है आपको आर्टिकल 19 के तहत जो बुरखे को लेकर के जो उसका जो पर्सनल राइट्स है, राइट, तो एक महिला बुरखा पहनने पे जिसको पाबंदी लगाई जा रही है उसके ऊपर बात की जा रही है, तो क्या उसी तरीके से आर्टिकल 19 में ये भी आता है कि कोई लेडी फटे कपड़े पहने या इस तरीके से जो हम लोग बहुत सारे ट्रेंड देखते हैं लोग फटी हुई जीन्सें पहनते हैं जो लड़कियां हैं, तो क्या उसी में दोनों चीज़ें आ सकती है कि दोनों को राइट्स है इस चीज़ का कि वो कुछ भी पहने और ये हिजाब नहीं पहने, ऐसी कुछ चीज़ें? देखिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है ये एक बहुत वाइड एक टर्म है, इसके ऊपर देश के अंदर जो है काफ़ी डिस्कशन और डिबेट हुआ है। फ्रीडम ऑफ चॉइस हर वो बंदे का है जो हमारे भारत देश के अंदर पैदा होता है या बाहर से आता है, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ है। अब हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसके अंदर आप किस तरह के कपड़े पहनोगे, किस तरह के कपड़े नहीं पहनोगे, ऐसा कोई हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर एक्ट नहीं बना है, ना किसी स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर बना हुआ है। सो फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये किसी भी लड़की को अगर नकाब पहनना है तो ये उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और किसी लड़की को अगर स्कर्ट पहनना है तो ये उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और मैं इन दोनों के खिलाफ हूँ कि कोई किसी को नकाब पहनने से भी रोके, और मैं उनके भी उतने ही इक्वली खिलाफ हूँ कि किसी को कोई स्कर्ट पहनने से रोके। आज वुमेंस की हालात इतनी ख़राब हो गई हैं कि अपने अपने हिसाब से लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं कि वुमेंस को ऐसा रहना चाहिए, नहीं, दिस इज़ चॉइस, दिस शुड बी चूज्ड बाय द वुमन। और अगर कुछ लड़कियां या वुमेंस नकाब पहनना चाहती है तो उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, और कुछ लड़कियां अगर स्कर्ट पहनना चाहती है तो उनको भी पूरी आज़ादी होना चाहिए। अच्छा, अभी फ़िलहाल राहत मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से, क्या लगता है आगे जा कर के क्या होगा? जो जो लेडीज़ जो पढ़ रही है, जो बच्चियाँ पढ़ रही है हिजाब को लेकर के जो कॉलेज जाती है, आगे का क्या मतलब हो सकता है, क्या सारी चीज़ें आ सकती है सामने? देखो, बच्ची तो बच्चियां जो भी थी, मतलब जो पढ़ रहे थे वहाँ पे और जो अब तक नहीं जा पा रही थी कॉलेज, तो मतलब आज के दिन से तो कॉलेज भी जाना शुरू कर दिए, और जो मतलब जो उनको चैलेंजेस आ रहे थे कि बुरका पहनकर अंदर वो लोग नहीं जा पा रहे थे, तो अभी फ़िलहाल उनको मतलब इंटर कर दिया है। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि मतलब कॉलेज उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करे कि मतलब जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर और उनके जो है कि उनको मतलब कॉलेज में जाने से कोई चीज़ असर करे, तो वो चीज़ अभी स्ट्रीमलाइन हो गई है। और आगे भी मतलब ये जब तक चलते रहेगा ये ऑर्डर, तो मतलब ये इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन ये तब तक एप्लीकेबल है कि जब तक कोर्ट में कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तो तब तक के लिए उस नोटिस को जो सर्कुलर इन्होंने जारी किया था कॉलेज वाले ने, तो उसको फ़िलहाल में स्टे दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो नोटिस उन्होंने इशू किया था वो गेट पर अभी भी लगा हुआ है, अब वो
तो कॉलेज का है कि मतलब, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन नहीं हुआ, नहीं ऑर्डर का उल्लंघन, ऑर्डर तो उन्होंने अभी नहीं निकाला, वो तो अभी उनसे एक बार बात करना पड़ेगा जाके कि आपने उसको नोटिस वगैरह क्यों नहीं निकाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि शायद अभी तक उनके नॉलेज में भी नहीं आई है कि जो उनके मैनेजमेंट थे या हो सकता है उनका जो इंटरनल जो उनका डिपार्टमेंट होगा जो मैनेजमेंट होगा कि उनका इंटरनल डिस्कशन ना हुआ उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये कल शाम में ऑर्डर कॉपी अपलोड हुई है, तो शायद हो सकता है कि एक दो दिन में अगर उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो कि मतलब ये ओल्ड नोटिस हो गई है जो भी अब हमको निकालना है, तो वो लोग खुद इंटरनल डिसीजन लेंगे उस चीज़ के ऊपर। कल शाम तक तो नोटिस लगी हुई थी, कल शाम तक लगी थी, बट अभी आगे उसके ऊपर उनको निकालना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ये कंटेम भी मतलब इसको बोला जा सकता है कि मतलब आप लोग जानबूझकर मतलब लोगों के सामने ये मैसेज लेकर आ रहे हो अभी भी कि मतलब हमको पुरानी नोटिस पर अमल करवाना है बच्चों से वापस से, तो मतलब लेकिन बच्चे जो आज गए थे तो उन्होंने जब गेट पर इंटर किया तो मतलब सामने उनके क्वेश्चन आया था कि आप लोग ऑर्डर दिखाइए, तो कुछ बच्चों ने कोर्ट के ऑर्डर भी दिखाए, तो कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद उन्होंने बच्चे लोग को इंटर भी किया कि ठीक है, उन्होंने बैठने भी दिया कॉलेज के अंदर भी। कैसा लग रहा है आपको, एक अच्छी जीत लग रही है कि बच्ची जो पढ़ना चाहती है लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से, बैन की वजह से हिजाब को लेकर के नहीं जा पा रही थी कॉलेज, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, देश के अंदर जो है गर्ल्स एजुकेशन जो है उसका रेशो हर एक स्टेट में, चाहे वो केरला हो, सबसे हाईएस्ट रेशो है, लेकिन वहाँ पर देखोगे तो वुमेंस का जो एजुकेशन रेशो वो कम है। सो केरला जैसे लिटरेट स्टेट का ये हाल है, तो फिर अगर आप नॉर्थ में जाओगे, बिहार वगैरह की तरफ जाओगे, महाराष्ट्र में आओगे, तो वुमेंस का जो एजुकेशन रेशो वो बहुत कम है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि वुमेंस के लिए बहुत एक राहत का एक काम है, और वुमेंस जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे राहत लेंगे कि उनको पढ़ाई करने के लिए कोई किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस ना लगे और उनको पढ़ने दिया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और, मैं आचार्य कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, चूँकि ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम रिलीफ है इनके लिए, तो स्टूडेंट्स तक जो है ऑर्डर पहुंच नहीं पाता और इसका मिसयूज़ या मिसकंडक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट से, तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इंटरिम रिलीफ दिया है, इंटरिम ऑर्डर जो दिया है वो सिर्फ हिजाब पहनने तक का दिया है, आप नकाब या बुरखा या नोज पीस के लिए कॉलेज में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आप हिजाब पहन कर जा सकती हैं, हिजाब आपके अलाउ किया है इंटरिम ऑर्डर तक। 18 नवंबर को आपका एक क्या बोलते हैं सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से, जब तक ये केस चलेगा तब तक ये ऑर्डर जो है वैलिड होगा, और इस ऑर्डर का मिसयूज़ या मिसकंडक्ट जो है किसी स्टूडेंट के द्वारा, किसी टीचर्स या को स्टूडेंट्स या कॉलेज मैनेजमेंट या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं सारी स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट से ये अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हिजाब पहनकर जाइए, बुरका या नकाब या नोज पीस पहनकर जाएंगे तो वो उतारने के लिए कहा जाएगा और आपको उतारना पड़ेगा, तो उसके लिए आप बहस या किसी तरह का कोई भी झगड़ा ना करें, या किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी लीडर मिली लीडर के बहकावे में ना आए, और कोई प्रोटेस्ट या इस तरह का कोई काम कॉलेज के विरुद्ध ना करें, क्योंकि कॉलेज हमारा है और हमारी लड़ाई कॉलेज के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ संविधान के जो हक दिए हुए हैं और जो फंडामेंटल राइट्स है उसको पाने की है। अच्छा, अगला कदम क्या होगा आपका इन सारी चीज़ों को लेकर के, आगे जो चीज़ें होने वाली है? अगला कदम क्या है, अगला कदम वही डिसीजन, कल भी कोर्ट की हियरिंग है तो उनका क्या जजमेंट आता है वही हिसाब से काम करेंगे, और अगला कदम इसके अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल जो ऑर्डर आया है ये हमको लगता है कि ये हमारे फेवर में ही आएगा, क्योंकि बेसिक राइट्स है लोगों का, तो कोर्ट भी इसको अपहोल्ड करेगा। जिस तरीके से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, लेकिन ये हिजाब बैन और इस तरीके के जो महिलाओं पे और स्टूडेंट्स पे आने वाले जो मामले हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो है बाधा आती हुई दिखाई देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है ये बहुत स्पष्ट और साफ हो गया है। अब देखना ये है कि 8 नवंबर को जो अगली सुनवाई होगी तो सारा जो भी मामला सामने आता है उसकी अपडेट हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़।